पानीपत में लगातार तेज रफ्तार का कहर जारी है। ताजा मामला आज सुबह का है, जब बम्भेवा निवासी रफीक नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बाइक से कोहांड अपनी बहन के घर जा रहा था कि वह जब पानीपत के डाहर टोल प्लाजा के पास पहुंचा तो पीछे से तेज गति से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीर कार चालक ने उन्हें गंभीर हालत में पानीपत के सामान्य अस्पताल भिजवाया, जहां पत्नी की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पीड़ित रफीक का पानीपत के सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। बम्भेवा गांव से आ रहा था मैं, डिस्ट्रिक्ट जींद से अपनी बहन के जा रहा था। कौन रोडवेज वो बस वाले ने मार दिया। मैं अपनी साइड में था बाइक पे, मिसिज के फ्रैक्चर है, मेरे भी कई जगह चोट है। ये तो एक भगवान आदमी था बेचारा, कोई कार वाला वो मेरे को बेचारा यहाँ पे छोड़ के गया। मैं बम्भेवा गांव है डिस्ट्रिक्ट जींद में, वहाँ से अपनी बहन के यहाँ कौन है मेरी बहन वहाँ आने लग रहा था। मिसिज थी, मैं था। क्या नाम आपका? रफीक। थे अपनी बहन से फिटन जाते आड़ा आए थे कौन है, अरे टूल टेस्ट पे डर होया है। आगा आगे बाइक थी, पाछे बस थी, पाछे तो बगाई है। रोडवेज की बस थी? हाँ, रोडवेज वाली बस थी। मौके पर ड्राइवर पकड़ा गया? नहीं, उन्हें तो रोकिए नहीं, उन्हें तो रोकिए नहीं, बाद में फिर उसका लंबर लंबर ले लिया। कहाँ के रहने वाले हैं? बम्भेवे के, जींद साइड की। आपको कैसे पता चला? भैया हम इसकी मम्मी हेड मडाना रहे हैं, वहाँ से फोन आया जब हमने देखे वाले। ये कौन कौन थे? ये मियाँ बीबी थे। बाइक पे थे? हाँ, बाइक पे थे। अब रेफर किया यहाँ? हाँ, रोहतक। क्या नाम है? सुनहरी।